हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं आपका एडीआर 2.0 का सीरीज स्टार्ट करने वाला था, उससे पहले मैंने सोचा कि हमें इस एग्जाम का स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। किस तरीके से मैंने ये एग्जाम को निकाला था, तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी था इस एग्जाम को लेके, पूरे एग्जाम को लेके, उसी तरीके से आपको भी मैं गाइड करूंगा। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पूरा लेके आया हूँ। आपको बहुत जगह प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, लेकिन मैं ये रिकेप एक बार आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज कराने से पहले 2.0 का। तो ये आपका शिफ्ट वन का एचएस पेपर है। इसके बाद मैं आपको बैचलर्स का पेपर लेके आऊंगा, बैचलर डिग्री का जो एग्जाम हुआ था विद कंप्यूटर एंड विदाउट कंप्यूटर, जो कि एक ही एग्जाम हुआ था। तो बैचलर डिग्री का पेपर लेके आऊंगा आपके लिए। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का सारा पेपर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू होना, मतलब कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। एक एक करके हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी और किस तरीके से मैं आपको एक सीट दिलाना चाहता हूं। और आप अपने तरफ से पूरा मेहनत कीजिए। और चैनल अभी तक किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग? तो इनमें से कौन सा कलर प्रेजेंट नहीं होता है, रेड, पर्पल, ग्रीन या फिर येल्लो? द करेक्ट आंसर विल बी पर्पल। रेड, ग्रीन, येलो आपका होता है, उसके साथ साथ आपका ब्लू और ब्लैक भी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये फाइव फ्लैग्स होते हैं ओलंपिक फ्लैग में, सॉरी, ये फाइव कलर्स होते हैं ओलंपिक फ्लैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू इज? पेरू का कैपिटल सिटी क्या है, बोगोटा, सेंटियागो, लीमा या फिर हवाना? द करेक्ट आंसर विल बी लीमा। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता या फिर दिल्ली? द करेक्ट आंसर विल बी मुंबई। इसका पहले नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको ये भी पता होना चाहिए, बीएसई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बीआईओएस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव? द करेक्ट आंसर विल बी हार्ड डिस्क। और आपसे बहुत बार ये बीआईओएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही फुल फॉर्म होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, द रेंज विच सेपरेट्स इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू ऑफ साउथर्न इंडिया? तो कोराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज या फिर अरावली रेंज? सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रिवर विच वन डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय? इंडस, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा? द करेक्ट आंसर विल बी नर्मदा। नेक्स्ट, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आपको टॉपिक ध्यान में रखना है। और इन्हीं टॉपिक्स को लेके मैं आपका एडीआर 2.0 शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें उसमें आपका मैक्सिमम एडीआर 2.0 में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन भी रहेगा और साथ में करंट का क्वेश्चन भी रहेगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप, मुझे इस एग्जाम का जितना आइडिया मिला है मैं आपको पूरा देने का कोशिश करूंगा अपने तरफ से बेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सोशल साइंस स्टडी द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी? द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई नॉर्मली द रेडियोएक्टिव मटेरियल इन द फॉलोइंग लिस्ट, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, ऑस्मियम, गैडियम? द करेक्ट आंसर इज प्लूटोनियम। ये साइंस का एक क्वेश्चन था, तो साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साइंस का भी पार्ट हम अच्छे से करेंगे अपने आने वाले सीरीज में, तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो आने वाले क्वेश्चन है मैं वो आपको कराऊंगा। इन वॉलीबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स पर टीम आर ऑन द कोर्ट? 6, 7, 5 या फिर 8? द करेक्ट आंसर इज 6। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद असम? 9, 7, 8 या फिर 10? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम ऑन 1st जनवरी 2022? तो उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अजंता नेम। एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन असम? तो 31st मार्च 2022 का ये जो आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से 35 स्टेट्स आपका था असम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद असम? चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार? द करेक्ट आंसर इज भूटान। और अगर ऑप्शन में बांग्लादेश भी होता तो आपका करेक्ट होता, भूटान और बांग्लादेश आपका शेयर करता है। अमंग द फॉलोइंग ब्रिज विच वन इज एट द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस? तो इसका ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीरीज के बीच में होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ।
ताकि आप भी कुछ काम करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन द बराक वैली? डिक्रोंग, कुसियारा, बोगी नदी, भोरालू। द करेक्ट आंसर इज कुसियारा। वट इज द स्टेट ट्री ऑफ असम? होलोंग, टिक, पीपल या सेल। द करेक्ट आंसर विल बी होलोंग। ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर। पाओमिका एंड होयग्रीव माधव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो हाजो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेम द टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोरहाट? द करेक्ट आंसर विल बी टोकलाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट टोकी इन असम? तो पहला टोकी असम में कौन सा था? भाईटी, जोयमती, बरवर संसार, इंद्रमालिता। द करेक्ट आंसर विल बी जोयमती। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई? स्वराज पार्टी किसने फाउंड किया था? तो ये आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ? आर्टिकल 25, 13, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 19? द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 15। द गोल गुंबज, द माउसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज लोकेटेड इन बीजापुर, हैदराबाद, दिल्ली या फिर भोपाल? द करेक्ट आंसर इज बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए स्टैंड इन उड़ान एज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है आपका आम। ठीक है, विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन? द कंपनी इज रिलायंस कंपनी। विच इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू डांस फॉर्म ऑफ देयर स्टेट? यक्षगाना तमिलनाडु, सत्रिय असम, ओडिसी, ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरला। ये तीन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका यक्षगाना है ये आपका कर्नाटका का डांस फॉर्म है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली रामसर साइट वेटलैंड साइट इन असम इज द दीपोरबिल? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दीपोरबिल, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट एसोसिएटेड विद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली आपका होता है इनमें, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी सही है, बट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डजंट कम अंडर। द असम मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन सिलचर, जोरहाट, गुवाहाटी या फिर डिब्रूगढ़? द करेक्ट आंसर इज डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर फोर। द मिशन इंद्रधनुष एंड इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एसोसिएटेड विद इम्यूनाइजेशन, क्लीनलीनेस, डिजिटलाइजेशन, हाईवे डेवलपमेंट? द करेक्ट आंसर इज इम्यूनाइजेशन। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अभी देखेंगे आप आर्टिकल का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसी तरीके से हम टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है उसे पूरा पढ़ेंगे अपने आने वाले एडीआर 2.0 में। तो स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी या सती? द करेक्ट आंसर विल बी अनटचेबिलिटी। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट टेक प्लेस इन 1919? तो रावलेट एक्ट वॉज पास, मोंटो सैमफोर्ड रिफॉर्म वॉज अनाउंस्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये आपका 1905 में हुआ था, तो दिस डजंट कम अंडर द, मतलब दिस लिस्ट में वो नहीं आता है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपके लिस्ट में नहीं आता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2019 टू एक्सेलरेट वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन मेजर? तो ये आपका करेक्ट बनता है स्कीम जो था जल शक्ति अभियान। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन? इनमें से दुलियाजन, नाजीरा और बोगाईगांव आपका पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन मार्गरेटा इसका करेक्ट है। विच कंट्री वॉज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? तो फ्रांस आपका पहला कंट्री है जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? उत्तर प्रदेश इज द स्टेट जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा में। ह्यूनसेंग विजिटेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ विच किंग? तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट? तो सोशलिस्ट जो फॉर्म है उसमें आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्म जो होता है आपका उसमें गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर होता है। नेक्स्ट होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1942? अगस्त क्रांति मैदान। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जैक्ट एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया था,
तो आपको सिर्फ एक आइडिया देना था किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और एक प्रीवियस ईयर का पेपर का आपको मतलब आइडिया देना था मुझे, ताकि आप एक अपना स्ट्रेटेजी बना पाए किस तरीके से आपको तैयारी आगे करनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपका बैचलर डिग्री का भी पेपर लेके आऊंगा जीके का, साथ ही साथ मैथ रीजनिंग इंग्लिश सारा पेपर करेंगे, और एटो का भी पेपर आपके लिए लेके आना है मुझे पूरा सीरीज, उसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी और तैयारी करने का तरीका बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं मेंशन करूंगा क्या बुक्स मैंने पढ़ा था इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है चैनल से। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी टिल लास्ट, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।